हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय प्रभात आपका भी डोलो कैंपस में स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो बेसिकली बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल के लिए तैयार की जा रही है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि पीडब्ल्यू कैंपस की प्रीमियम सर्विसेज कैसे ज्वाइन करनी है। मैं आपको बता दूँ कि बीए की प्रीमियम सर्विसेज जो हैं पीडब्ल्यू कैंपस लॉन्च कर चुका है, आप उसको आसानी से परचेस कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे देने वाला हूँ, और जिनको नहीं पता कि प्रीमियम सर्विसेज़ क्या हैं वो प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी पीडब्ल्यू कैंपस के बारे में। मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूँगा, और मैं यहाँ पे तब भी बता देता हूँ कि सर्विसेज़ में क्या आपको मिलने वाला है। तो ये उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो बी ए आर्ट्स एंड सोशल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक, तो प्रीमियम सर्विसेज़ के अंदर आपको क्या मिलेगा? आपको फुल लेंथ वीडियो लेक्चर मिलेंगे जो कि सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज होने वाले हैं। आपको सारे टॉपिक अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग मिलेंगे, और आपको लेक्चर जो है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, और आपको साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स ही मिलेंगे। जो भी आप लेक्चर देखेंगे उसके बाद आपको बनाना पड़ता है नोट्स, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको नोट्स मेंटर के द्वारा बनाकर दिए जाएंगे। मेंटर कौन है? जो आपको वीडियो में दिखेंगे पढ़ाते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रीमियम सर्विसेज में वीडियो लेक्चर्स, दूसरा पीडीएफ नोट्स जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों होने वाले हैं, और तीसरी चीज़ आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में सारे मेंटर्स होंगे आपके, जो कि आपको वीडियोस में देखेंगे सारे आपको सब्जेक्ट पढ़ाते हुए। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपके डाउट होते हैं वीडियो से, ठीक है, या आप वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि कुछ छूट रहा है, तो आप डायरेक्ट सर से अपने मैम से कंसल्ट कर सकते हैं इसके बारे में, और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप इसीलिए बनाया जा रहा है कि अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो आप डायरेक्टली अपने मेंटर्स से एडवाइस ले सकते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है, बेसिकली ये है। और अगर मेंटर्स को लगता है कि कुछ रह गया है आपको बताने के लिए वीडियो में जो कि नहीं बता पाए हैं, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, जो ग्रुप के माध्यम से आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ कि आपको ये सर्विसेज कैसे ज्वाइन करनी है, इसका मैं पूरा प्रोसेस बता दूंगा। और एक चीज़ और बता दूँ कि bwcampus.com पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे जो कि 10 to 15 ईयर्स होते हैं। ठीक है, आपको सभी कोर्सेज़ के लिए, और जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि आप एग्ज़ाम के बारे में, और आप ये भी देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या चेंजेस आए थे और इस बार क्या आने की उम्मीद है। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ कहाँ से आपको पेपर डाउनलोड करना है। पहले देखिए, ऑप्शन मिल रहा है प्रीमियम सर्विसेज क्वेश्चन पेपर, तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में आपको जाना है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं जो कि आंसर की के साथ होते हैं, BHO के ऑफिशियल पेपर हैं ये। ठीक है, देखिए BA आर्ट्स, यहाँ पर आपको 11 साल के पेपर मिल जाएंगे जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट पेज पर आपको आंसर की मिल जाएगी इसकी, जो कि BHO ने अनाउंस की थी। ओके, तो आप यहाँ पर जाकर अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। उसके बाद BA सोशल, इसका भी आपको पेपर मिल जाएगा 2008 से 2018 तक, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं प्रीवियस ईयर में कैसा पेपर आया था और क्या पैटर्न रहा था, कोई चेंजेस आया था या नहीं आया था, आप इसकी भी जानकारियाँ ले सकते हैं अपने पेपर के माध्यम से। ठीक है, और अब मैं बता देता हूँ आपको प्रीमियम सर्विसेज कैसे ज्वाइन करना है। देखिए, राइट कॉर्नर में वेबसाइट के आपको येलो कलर से दिख रहा होगा प्रीमियम सर्विसेज, उसको टिक करना है। देखिए, यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज दिख रहे होंगे, BCom, MCom, 6th, 9th, 11th मैथ, लेकिन सबसे नीचे आपको BA आर्ट्स एंड सोशल मिलेगा। ठीक है, ये BA आर्ट्स एंड सोशल को एक क्यों रखा गया है, वो इसीलिए रखा गया है क्योंकि BA आर्ट्स एंड सोशल के लगभग सब्जेक्ट्स जो होते हैं सेम होते हैं। ठीक है, एक ही दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि अलग किए जाते हैं आर्ट्स से सोशल में, ज़्यादा किए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या किया गया है कि आपको दोनों कोर्सेज़ के लिए एक ही फीस पर तैयार किया कराया जाएगा, तैयारी कराई जाएगी, और
और जो आपको पैनल मिलेगा स्टूडेंट पैनल, वहाँ पर आपको सारी की सारी वीडियो मिलेंगी, सारे के सारे चैप्टर मिलेंगे जो कि आर्ट्स एंड सोशल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक, इससे क्या होगा कि जो आप सोशल का एग्ज़ाम देना चाहते थे तो आप वहाँ पे पढ़ाई कर लेंगे उसी पैनल पे, आर्ट्स की भी सोशल की भी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जो बीए आर्ट्स एंड सोशल दोनों अप्लाई करते हैं और एक ही उनका एग्ज़ाम होता है, लगभग थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे सबके सब, और एक पर्टिकुलर वे में। यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स भी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, जो कि आप तब बनाते हैं जब उसको लेक्चर्स पूरा पढ़ने के बाद, लेकिन आपको ये भी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको जस्ट पीडीएफ नोट्स मिलेंगी, वीडियो मिलेंगे और आप उससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको उसके डाउट आता है कोई तो आप अपने मेंटर से कंसल्ट कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे ज्वाइन करना बता रहा हूँ। प्रीमियम सर्विसेज जो हैं बी आर्ट्स एंड सोशल को रीड मोड करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आप पूरी जानकारियाँ ले सकते हैं कि बीए आर्ट्स एंड सोशल जो आपका कोर्स है उसमें क्या क्या मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आपको पूरा पढ़ लेना है, यहीं पर आपकी फ़ीस भी दी हुई है, लेकिन इसके बाद आगे नीचे बढ़ते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन आपको मिलती हैं, तो आप टर्म्स एंड कंडीशन को ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद आप अप्लाई करें। ठीक है, अप्लाई हेयर का ऑप्शन है, यहाँ पर टिक करेंगे क्लिक। देखिए अब आप आ चुके हैं फॉर्म पर जो कि आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना कोर्स सिलेक्ट करना है, आपका कोर्स जो है बीए आर्ट्स एंड सोशल, इसको क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपका नाम जो है फिलअप करना है। मैं आपको डेमो के तौर पे बता देता हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप कोई भी चीज़ अपनी जानकारी डिटेल्स गलत ना फीड करें। आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल जेन्युइन रखनी है, जो कि बिल्कुल ही गलत ना होना चाहिए, क्योंकि आपको ईमेल आईडी के माध्यम से क्या होगा, आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा और मोबाइल नंबर जो होगा उसके थ्रू आपको बीडब्ल्यू कैंपस की तरफ से कॉल आएगा वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, और आपको इसी नंबर के माध्यम से व्हाट्सएप पर जोड़ा जाएगा, ऐड किया जाएगा ग्रुप में। ठीक है, आप ना नंबर गलत डालें ना आप अपना ईमेल गलत डालें जिससे आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, अगला ऑप्शन आता है सिलेक्ट इमेज, आप इसे इमेज को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, स्किप भी कर सकते हैं अगर आप देना ना चाहते हैं फ़ोटो, तो अपना प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। देखिए इसी तरह से आपकी जो होगी इनवॉइस जनरेट हो जाएगी, आपका पूरा डिटेल्स यहाँ रिसिप्ट में दिख जाएगा कि आपको क्या क्या पे करना है, यहाँ पर आपकी फ़ीस कितनी है, सर्विस चार्ज क्या है, और एडिशनल जो होता है जीएसटी 18% आपको ऐड करके देना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रांड टोटल जो होगा आपके सामने है, आप उसको पे नाउ करेंगे। देखिए आपके सामने आ चुका है पेमेंट गेटवे, तो आपको क्या करना है, अगर आप भीम यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको अपना बैंक सेलेक्ट करके नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम पेमेंट पेटीएम से करें, वॉलेट के माध्यम से, या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से, ठीक है, तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो आई होप आप प्रोसेस को समझ चुके होंगे जो कि डेस्कटॉप में है, उसी तरह से मैं एक बार आपको मोबाइल व्यू में भी दिखा देता हूँ कि कैसे प्रोसेस करना है। और एक चीज़ और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी अप्लाई करें इस चीज़ के लिए, या जब भी आप अपनी वीडियो को देखें, या अपना जो पेमेंट करने के बाद आप इस चीज़ को एक्सेस करते हैं बीडब्ल्यू कैंपस में, तो जो वेब ब्राउज़र जो होगा वो आपको गूगल क्रोम ही यूज़ करना है। हाँ फ्रेंड्स, देखिए अब हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, देखिए ये है आपकी bwcampus.com वेबसाइट जो कि गूगल क्रोम पर ओपन है। ठीक है, इस तरह से आपके मोबाइल में इंटरफेस ओपन नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स दिए हुए हैं, ठीक है, टैब्स टैब्स के पास में, तो आप उसको ओपन ओपन करके डेस्कटॉप साइट इनेबल कर दीजिए। तो क्या होगा, डेस्कटॉप व्यू में आ जाएगी वेबसाइट। अगर आप
इस चीज़ को वापस से डिसेबल कर देंगे तो आप मोबाइल व्यू में चले आएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो आपको पूरा प्रोसेस पता ही है, प्रीमियम सर्विसेज आपको राइट कॉर्नर में मिलेंगी। देखिए इस चीज़ को क्लिक करके इसके बाद आपको अपना कोड सेलेक्ट करना है, बी ए आर्ट्स एंड सोशल, रीड मोर। इसके बाद कोर्सेज की डिटेल्स, टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करते हुए आप अप्लाई हेयर करेंगे। देखिए इसके बाद आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, पूरा प्रोसेस आप जानते ही हैं। क्या करना है आगे, कोर्स सेलेक्ट करते हुए आगे अपनी फॉर्म को अपनी सारी डिटेल्स देनी है, फिलअप करनी है और प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है। उसके बाद फीस पेमेंट करके आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जैसे आपको आईडी और पासवर्ड मिल जाता है पेमेंट के बाद, तो आपको करना क्या है, आप जो फॉर्म देख रहे हैं इसी फॉर्म तक वापस से आना है और ये देखिए थ्री डॉट्स जो हैं उनको टच करने के बाद स्टूडेंट पोर्टल रेड कलर का दिखता है, उस चीज़ को आपको क्लिक करना है और आप पहुंच जाएंगे अपने स्टूडेंट पोर्टल पे। यहाँ पर आपको अपनी आईडी और पासवर्ड दोनों सबमिट करना है, लॉगिन करना है और आपको आपके पोर्टल पर भेज दिया जाएगा। आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएंगी और वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, और तुरंत आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और अगर इसके बाद भी आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आपको नंबर मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, आप उन पर कॉन्टेक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं, आपको अपने डाउट्स क्लियर करा सकते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। नेवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप, नेवर गिव अप।